Good morning students, welcome in science class. In the previous class we have already discussed about what are teeth, their function, set of teeth, structure of tooth and kinds of teeth. Okay, now today we are going to discuss teeth and its care. How can we protect our teeth from different problems, different causes? Okay, so let's start the reading. Now beta, let's start the reading. Teeth and its care. Like other body parts, teeth also need proper care. जैसे आपके दूसरे body parts होते हैं ना बेटा, उसी तरह teeth also required a proper care. If we do not take proper care, we will suffer from various problems. Okay, if we do not take the proper care of our teeth, then we will suffer from various problems like, सबसे पहले क्या बेटा, toothache. ठीक है, दांतों में दर्द होने लग जाता है, टूथ डिके, दांत टूट के गल सड़ के गिर जाते हैं, कैविटीज यानी कि होल हो जाता है बेटा आपके दांतों में, होल और कैविटीज हो जाती है. ठीक है, स्वॉलन गम्स, आपके जो गम्स है वो सूज जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है. ठीक है, फॉयल स्मेल आती है आपके माउथ से, प्लाक, येल्लो कवरिंग हो जाती है, ये लेयर की कवर या आपके जो टीथ है वो येल्लो लेयर से कवर हो जाते हैं. ठीक है, और उसमें से फॉल स्मेल आती है आपके माउथ से, एंड लॉस ऑफ टीथ. ठीक है, और आपका दांत बिल्कुल टूट जाता है. ठीक है, ओके, सो इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ, देन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम. ठीक है ना, देन वी विल सफर फ्रॉम दीज वेरियस प्रॉब्लम्स. नाउ व्हाई डू टूथ डिके, अब टूथ कैसे गिरता है, कैसे टूटता है. ठीक है, When we eat, small particles of food get stuck between the teeth. When we eat food, beta, then tiny food particles get stuck to the surface of the teeth. ठीक है ना, and also in the space between them. दांतों के बीच में जो space होता है ना, वहां पर भी वो stuck हो जाते, चिपक जाते. If these food particles are not removed regularly, अगर हम अच्छे से गार्गर नहीं करते, अच्छे से ब्रश नहीं करते और ये फूड पार्टिकल्स को रिमूव नहीं करते, देन जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग इन दीज एरिया, और जर्म्स जो है इन एरियाज में ग्रो करने लगेंगे. एंड दीज जर्म्स फर्स्ट अटैक द एनिमल, एनिमल को अटैक करेंगे जो आपका बाहर का वाइट कवरिंग है. ठीक है, देन द डेंटाइन, एंड देन फाइनली मूव इन टू द पल्प. ओके, एंड द जर्म्स अटैक देन नर्व्स और रिजल्टिंग इन टूथ एक. ओके, बाय फाइनली जो जर्म्स है वो किस पे अटैक करेंगे, नर्व्स पे, ब्लड वेसल्स पे, और फिर आपका टूथ गिर जाएगा. ओके, सो व्हेन वी ईट स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन द टीथ, इफ वी डू नॉट ब्रश प्रॉपरली, जर्म्स ग्रो ऑन दीज पार्टिकल एंड दीज जर्म्स सेक्रेट्स एसिड. ठीक है, एंड दिस एसिड डिजोल्व द एनिमल एंड कॉज टूथ टू डिके, और ये एसिड क्या करता है, एनिमल को डिसॉल्व कर देता है, जो व्हाइट कवरिंग है आपकी, जो आपके दांत को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, और फाइनली वो डेंटाइन पे अटैक करता है, एंड फाइनली मूव इन टू द पल्प, एंड दैट विल रिजल्टिंग इन टूथएक और टूथ डिके. ओके, नाउ व्हाट इज प्लाक, प्लाक क्या है बेटा, द स्टिकी येल्लो लेयर. ये देखो बेटा, ये स्टिकी येलो लेयर जो कवरिंग हो जाती है आपके फेस पे, आपके टीथ पे येलो येलो कलर की लेयर परत जम जाती है, फॉर्म्ड ऑन द टीथ ड्यू टू द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स, कि जर्म्स की ब्रीडिंग की वजह से जर्म्स आपके ग्रो करते हैं. ठीक है, जब आप प्रॉपरली गार्गर नहीं करते, प्रॉपरली माउथ को रिंस नहीं करते, ठीक है, तो क्या होता है, जर्म्स विल ब्रीड ऑन योर टीथ एंड ए स्टिकी येलो लेयर विल फॉर्म्ड ऑन द टीथ एंड दैट इज कॉल्ड प्लाक. अंडरस्टूड? Now, both tooth decay and plaque can cause bad breath. अगर आपके दांत गल रहे हैं, सड़ रहे हैं और आपकी येलोइश कवरिंग हो रही है, लेयर बन रही है, फॉर्म्ड हो रही है आपके टीथ पे, देन बोथ द थिंग्स कैन कॉज बैड ब्रीथ. ठीक है, फॉल स्मेल फ्रॉम द माउथ, हिंस प्रॉपर ब्रशिंग कैन प्रिवेंट टूथ डिके एंड प्लाक एंड गिव अ रिफ्रेशिंग ब्रीथ. इसलिए हमें प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए जो इसको टूथ डिके और प्लाक को रिमूव करती है, प्रिवेंट करती है और आपको एक रिफ्रेशिंग ब्रीथ देती है. ओके बेटा, नाउ बेटा, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर टीथ, अब कैसे आप अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हो. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके. तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, वी मस्ट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे,
once in the morning and before going to bed. We must brush the teeth properly in the morning and at night before going to the bed. Moving your toothbrush upward, downward in a circular motion is the right way to brush your teeth. You should brush the inner and outer surface of the teeth and also on the sides of the teeth also. Okay. Now, brush your teeth up and down, yehi hai, and in and out. Ye aapko show kar rakha hai na? You should brush your teeth upward and downward, circular motion, and you should brush the inner and outer surface of the teeth and also on the sides of the teeth. Second, rinse your mouth after every meal. Gargle and rinse your mouth after every meal. ठीक है, and use a mouthwash and dental floss if possible. Now next है बेटा, clean your tongue using tongue cleaner. Clean your tongue using tongue cleaner. ठीक है, आपको दांतों के साथ साथ अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए. Clean your tongue using tongue cleaner. Now massage your gums with your fingers. आपके जो गम्स है उसके ऊपर फिंगर्स से आपको उसको मसाज करना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अवॉइड ईटिंग स्वीट्स इन चॉकलेट. वी शुड अवॉइड टू मेनी स्वीट्स इन चॉकलेट, दिस स्पॉइल आवर टीथ. ठीक है, वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स लाइक कैरेट एंड एप्पल्स, दे मेक आवर गम्स टीथ स्ट्रांग. ओके बेटा, एंड वी शुड ऑल्सो टेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डेली. They have calcium that make our teeth strong. Then visit your dentist regularly. You should visit the dentist regularly, beta. At least twice a year or visit a dentist regularly to know how healthy your teeth and get them treated if required. ओके, ईट हार्ड फ्रूट. ये भी मैंने आपको बताया था, यू शुड ईट रॉ वेजिटेबल हार्ड फ्रूट्स लाइक एप्पल, अवॉइड जंक फूड. ओके, एंड वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डेली, दे हैव कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रांग. वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे. ठीक है ना, वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली विद वॉटर आफ्टर एवरी मील. ओके, नाउ डू यू नो, so these are the precautions or these are the important things that we should do to protect our teeth. Okay, now do you know teeth are made up of calcium phosphate, hence calcium is very important for the formation of strong teeth. टीथ जो है ना बेटा वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं, और कैल्शियम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग टीथ, बोन्स एंड ब्लड. सो मिल्क इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डेली, एंड दे हैव कैल्शियम दैट इज वाई दे मेक्स आवर टीथ स्ट्रांग. ओके बेटा, सो यू हैव टू रीड दीज पेजेस. यस बेटा, वर्कशीट 3. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू रिवील टूथ प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो आपके टूथ प्रॉब्लम्स की जो वर्ड्स है टूथ प्रॉब्लम्स के ऊपर है, तो आपको इसको अनस्क्रैम्बल करना है. डबल आई वी टी ए सी एस सी दैट इज कैविटीज, सी ए वी आई टी आई ई एस कैविटीज. ओके, नाउ सेकेंड ई ए यू क्यू पी एल दैट इज प्लाक, पी एल ए क्यू यू ई. ओके, नाउ टी डबल ओ टी एच टूथ, ई ए सी एच तो टूथहैक. ठीक है, दांत में दर्द होता है ना, टूथहैक. ओके, कैविटीज प्लाक टूथहैक. नाउ सेकेंड, द स्टिकी येलो लेयर फॉर्म्ड ऑन टीथ इज नोन एज. जो टीथ के ऊपर बेटा स्टिकी येलो लेयर हो जाती है, येलो कलर की लेयर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाक, टूथ डिके, टूथहैक और कैविटीज. सो आंसर इज प्लाक. ए पे टिक लगाइए. कम्प्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो. मिल्क इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम. ओके, मिल्क इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम. मिल्क में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, सी एल सी आई यू एम. टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से टीथ बना होता है. Clean your tongue using a tongue cleaner.
Clean your tongue using a tongue cleaner. Visit your dentist regularly. Dentist beta. DENTIST dentist. So first में calcium, calcium phosphate, tongue cleaner and dentist. Okay. Now question number 4. Name the following tooth problems. ये देखो बेटा, ये बच्चा क्या कर रहा है? इसको दांत में दर्द हो रहा है. तो क्या आएगा problem? क्या है? Tooth egg. ठीक है. अब ये दांत आपका टूट रहा है बीच में से. तो tooth decay. Okay. This is cavities. Cavities. And this one is swollen gums. Toothache, tooth decay, cavities and swollen gum. Okay. Now true false. State whether the statements are true or false. Okay. We should eat plenty of chocolates and sweets. We should eat? No, this is false. So, इसको true करने के लिए क्या लिखेंगे? We should not eat plenty of chocolates and sweets. We should brush twice a day. That is true. हमें daily दो बार brush करना चाहिए. We should avoid junk food. That is also true. Okay, junk food में ज़्यादा salt और ज़्यादा chemicals होते हैं. तो वो that is very harmful for your body. Milk is an excellent source of nitrogen. False. Milk is an excellent source of calcium. Okay. So false, true, true and false. Okay beta. So this is your worksheet 3. So beta, you have to read page number 25 and 26. And do the worksheet 3 in your book. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.